चक्रवाती तूफान यास के कारण मनिहारी प्रखंड सहित कई इलाकों में कहीं घर उजड़ गए तो कहीं बिजली के खंभे गिर गए तो कहीं जलजमाव की समस्या खड़ी हुई तो कहीं न जाने कितनी फसलें बर्बाद हो गईं। मनिहारी इलाके में हुई क्षति सहित बाढ़ की तैयारियां और बोल्डर पीचिंग का जायजा लेने मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, अंचल अधिकारी राजेश रंजन सहित कई अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं मौके पर एसडीएम ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर संवेदनशील घाटों का निरीक्षण किया। उसके बाद बाघमारा पंचायत के बाघमारा घाट पहुंचकर स्विच गेट का दरवाजा खुलवाया ताकि बारिश का ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो सके और साथ ही संबंधित पदाधिकारियों से मुलाकात कर कार्य से संबंधित कई जानकारियां भी ली और अधिकारियों को कई जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एसडीएम निरीक्षण करते हुए दिलारपुर पंचायत पहुंचे, जहां यास तूफान की वजह से काफी क्षति हुई थी। पूरे इलाके में बाढ़ से स्थिति उत्पन्न होने और सड़कों के नुकसान का जायजा लेते हुए जल्द ही सीईओ को रिपोर्ट सौंपने की बात कही। दो दिनों में जो तेज वर्षा हुई है उसके कारण स्लुइस गेट वगैरह खुलवाने की आवश्यकता महसूस की गई थी ताकि जो जमा हुआ पानी वो निकल जाए। सारे यहाँ बाघ मारा जो स्लुइस गेट है सारे गेट खुलवा दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है उसका निरीक्षण किया गया और उसको जो फ्लड डिवीजन के ऑफिसर्स मौजूद उनको जल्द से जल्द खत्म कराने के लिए निर्देश दिया गया है। जहाँ पे फसल का नुकसान हुआ है उसका जायजा सीईओ साहब ले रहे हैं और जो भी उनका फसल का या जिनका घर टूटा है या कहीं पे एक दो जगहों पे अगर जानवरों का भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित सहायता राशि है वो दी जाएगी उनको। इसके साथ ही एसडीएम ने तत्परता दिखाते हुए उन सभी लोगों और किसानों को आश्वस्त किया कि जल्द ही सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो भी मुआवजा बनेगा उसे जल्द से जल्द निर्गत किया जाएगा। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।